सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी आज वन गेम ई स्पोर्ट्स का ग्रैंड फाइनल का आई थिंक डे 4 या 5 समथिंग था, जिसमें आज चिकन तो नहीं आया, बट हाँ टीम सोल ने काफ़ी अच्छे फाइट निकाले और #2 भी आया टीम सोल। और बाकी आपको सोल वर्सेस जीई का ड्रॉप फाइट भी देखने को मिलेगा। सो चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। एक बार फिर से आपके ऊपर टूट पड़ सकती, कभी भी कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेडल के प्लेयर्स हैं, तो बहुत ज्यादा बाईं तरफ वो जा नहीं सकते हैं, दो गाड़ियां निकाल चुके हैं और सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई। एंड एक फूटी हुई बगी थी, माने ने स्पॉट करा है, डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया है, माने सीधा ऊपर जा रहे हैं एडीएस रखते हुए। उनके पास भी एक पंप एक्शन है, जाएंगे, एक स्मोक फेंका है, डराने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, स्टन ग्रेनेड फेंका है एक्चुअली, एक नॉक निकाला गया है नकुल की तरफ से, सीधा पुश करने की कोशिश कर तो रहे हैं बट नहीं, पंप का भी शॉट कनेक्ट करेंगे मान्यान, दो प्लस नॉक। ये जो रश क्रिएट करा गया है ना, बहुत अच्छा था। पहले तो गाड़ियों के साथ उन्होंने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करा, फिर एक ग्रेनेड आया और देन मान्या ने तो डैमेज ऑलरेडी पहुंचा दिया था। खिलाड़ी कालन के रूप में यहाँ पर बचा रहेगा और कालन बस ये प्रे कर रहे कि टीम आई को उनके पीछे से ना आ जाए, उनके पीछे से आगे तो बचना काफी मुश्किल और हो सकता है क्या पता कुछ थर्ड पार्टी उनकी तरफ से देखने मिल जाए। लेकिन डार्क लॉर्ड निकालेंगे नकुल को, प्लीज उसे मानना का वो नॉकआउट और देखते रहते। बट यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, कालन कोशिश काफी अच्छी थी बट सर्कल के बिल्कुल एचेस में बैठ सके दिले। अब ये सिचुएशन टू की तरफ से उतर जाएगी लेकिन लोअर ग्राउंड का डिसएडवांटेज क्या टीम आई को बैकफुट पर धकेलेगा या फिर क्योया कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वो काफी पे हीरो रहे थे क्योया और ये तुरंत ही चले गए हैं और यहाँ तो मैच्योरिटी चल रही है, कुछ गन नहीं मिली तो मैच्योरिटी ही सही। बट अब मिल जाएगी निंजा बॉय के पास आज का बहुत यार, बट इस पावर के कमाल का रिफ्लेक्स तुरंत नॉकआउट कर दिया जाएगा, स्लग भी वहां पर ढेर हो चुके हैं। और अब आर्कलिन एक आखिरी उम्मीद के साथ है, डीबीएस है हाथ में, क्लोज आने दीजिए, यहां से अगर आप फाइट करेंगे तो फायदा मिलेगा नहीं। लेकिन आर्कलिन जी हाँ, ये पीओवी सही है, यहां से पता चल पाएगी क्या अभी के लिए कुछ भाई नहीं। दोनों तरफ से घिराव किया जा रहा है, एक तरफ से हनी बैचर की तरफ में मान्या लेकर आए थे उनकी तरफ, लेकिन जी हाँ देखिए इधर जरूर कोशिश होगा टीम रेवरेंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से कि वो अपना पहला स्थान फिर से वापसी कराए। बट मार्कोस गेमिंग के साथ ही माइको सोल का एक फाइट होता हुआ दिख रहा है दूसरी तरफ, जिधर बहुत जोरदार तरीके से जबरदस्त तरीके से वो फाइट इनिशिएट हो चुका है बूट कैंप के वेस्टर्न साइड पे और ऑलरेडी नकुल और रॉनी दोनों को कर दिया जा चुका है बाहर। इस पावर भी नॉक्ड आउट है, मान्या रहने वाले आखिरी प्लेयर और कप्तान के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन टीम मार्कोस गेमिंग तीन प्लेयर जिंदा, मुझे लगता है बहुत टफ होने वाला है इधर मान्या के लिए सरवाइव करना और अपने टीम को आगे लेके जाना। बाहर आएंगे, वो फाइट चलता हुआ दिख रहा है, मान्या इधर नॉक तो निकाले हैं लेकिन फिर जाने के लिए और जगह हुआ और उसी जगह पे अल्फा उनको इधर डाउन करते हुए देखने के लिए मिल गए। टीम स्काईफॉल जरूरत है सर्वाइवल के लिए मेडिक्स की, जो कि चिफली के पास अभी मौजूद नहीं है। क्या उनको मिल पाएगा, क्या वो बच पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई भी फर्स्ट एड्स नहीं है और उसी के साथ नॉक भी हो चुके हैं। बहुत मुश्किल था यहाँ से, उन्होंने सोचा कि अब एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ जाते आते, बट अगर कुछ क्रेट्स मिल जाते, कुछ हीलिंग्स मिल जाएंगे तो शायद हील बैटर के लिए जा सकते हैं। लेकिन आई कुछ को ध्यान रखना पड़ेगा, सामने एक और चैलेंजर टीम है जहां पर हमें देखिए आईक्यू सोल नजर आ रही थी चौथे स्थान पर, तो जी हाँ पांचवें स्थान में बैठी मार्कोस गेमिंग, नाइटमेयर की तरह उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ। बट आईक्यू सोल इधर टीम स्काईफॉल को कर देंगे समाप्त और उसी के साथ साथ का फायदा उठा के नजर आएगी और हो सकता है आईक्यू सोल के ऊपर प्रोसीड करने वाले। जी हाँ तुरंत पहुंच जाएंगे बट नकुल क्या कर पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए अपने आपको स्मोक के अंदर हाइड करके रखा होता, बट टीम विंडकॉन जल्दी रिसेट कर लीजिए क्योंकि यही मौके आपके पास वो थर्ड पार्टी को अंजाम देने का इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर। बिल्कुल देखिए उनके पास पूरा चांस मौजूद है लेकिन टीम आईक्यू सोल के नकुल एंड मान्या दोनों इधर या तो जाएंगे, चलिया मुझे इसी से बात में छेड़ने वाला था कि क्या वो कवर क्रिएट करेंगे, तो जी हाँ आंसर है जी हाँ। और अब सभी तार का बचना भी काफी मुश्किल नजर आएगा, जी हाँ कोशिश काफी अच्छी थी बट टॉप 3 तक अपना सफर तय कर पाए, लेकिन यहाँ से आईक्यू सोल कौन लेके जाएगा बाजी को, पूरी तरह से हाइट एडवांटेज टीम आईक्यू सोल के पास बना हुआ है। ट्राई करेंगे थ्रोएबल्स, अब मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ थ्रोएबल्स हो चुके हैं, स्टन वगैरह जो भी है उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ से।
बिल्कुल देखिए, जो है उसी का ही फायदा उठाना होगा और दोनों के पास ही चांसेस हैं इधर से निकालने की। रिफ्लेक्सेस जिनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही इधर जीतेंगे। और बात कर रहे थे, फील्ड डाउन हो चुके हैं इधर, स्पॉट भी डाउन हो चुके हैं। पंक और रॉनी रहने वाले आखिरी दो प्लेयर, और रॉनी काफी ज्यादा कम एचपी के साथ जिंदा थे। पंक बाहर आते हुए, पंक द क्लच मास्टर, वो बाहर आ चुके हैं, इधर बहुत सारा डैमेज दे चुके हैं रॉनी। और पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और टीम आइको सोल की अगर बात करें, उनके खोने के लिए भी बहुत कुछ है और पाने के लिए भी। बट फर्क पड़ने नहीं वाला है, इस पावर को गन मिला, वेक्टर मिला वो भी, बट इस पावर को फिश कर दिया गया। एक्चुअली नहीं, फिश नहीं, यहाँ पे आई थिंक नहीं, पंच किया गया। स्लग ने भी यहाँ पे इस्तेमाल करा है नाइफ, एंड उन्होंने भी नॉक करा है। निंजा बॉय के पास भी एक यूएमपी है, रॉनी को तो ऑलरेडी फिनिश ऑफ कर भी दिया गया है। मान्या उसी है उनके पास, थोड़े बहुत शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, मल्टीपल फाइट शुरू हो चुका है। ये तो एक्सपेक्टेड था ही ना, ये तो मतलब पहले से ही हम लोगों ने ऐलान कर ही दिया था कि ये फाइट तो होने ही वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, माने ने एक और नॉक कर दिया है। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, क्या कर पाएंगे वो कुछ? पहले तीनों प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देंगे, आखिरी खिलाड़ी जिनके पास यूएमपी है दैट इज निंजा बॉय, पोटेंशियल रखते हैं। बहुत कम एचपी में उन्होंने नॉक करा है, मान्या बाल बाल बचा लेंगे यहाँ पे अपनी टीम को। एंड ग्लोबली Most probably, सोमराज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं जोन के अंदर एंट्री होते हुए, एंड वो शायद एंटर कर भी जाएंगे, बट साय वो स्पॉट हो चुके थे एंटिटी गेमिंग से। और पीछे से इस बार और भी शॉट्स आया, बट दूसरी तरफ टीम हाइड्रा के साथ एक फाइट देखने के लिए मिल रहा है, बट आइको सोल वर्सेस टीम। बाकी आपको टीम सोल का आज कुछ अच्छे फाइट कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपने टीम सोल का स्क्रिम्स के कुछ अच्छे फाइट और क्लचेस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट और तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।